कैरियर जंक्शन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आशीष सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूँ जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्णमाला का अध्ययन किया उसी क्रम में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग शायद पहुँचे थे वर्ण पे आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो वर्ण होते हैं इनको कितने भाग में बांटा जाता है और जो आप देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है देखिए कभी भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है तो आपका आंसर सिर्फ रहेगा बावन जब कभी भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है तो बावन बताएंगे अच्छा उसके बाद अगर यह प्रश्न हो रहा है कि हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या अगर मूल वर्ण पूछे जाते हैं मूल वर्णों की संख्या सॉरी मूल वर्ण की जब बात करते हैं कि मूल वर्णों की संख्या तब हम कितना बताते हैं चौवालिस बताते हैं याद रखिएगा लेकिन सबसे ज़्यादा यही आपसे पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या बताइए तो कितना बताना होता है बावन बताना होता है जब मूल वर्ण पूछेगा तो कितना बताएंगे हम लोग चौवालिस बताएंगे अभी मैं भैया आपको बताऊंगा ग्यारह स्वर और तैतीस व्यंजन मिलके कितने होते हैं चौवालीस मूल वर्ण हमारे हिंदी के होते हैं चलिए हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि जो ये वर्ण है इनको कितने पार्ट में बांटा गया है भैया जो ये वर्ण है इनको हम लोग मित्र बांटते हैं दो पार्ट में एक को पहले को हम लोग क्या कहते हैं एक को हम लोग कहते हैं स्वर और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं व्यंजन कहते हैं एक को हम लोग क्या कहते हैं स्वर कहते हैं और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं व्यंजन कहते हैं याद रखिएगा वर्ण को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं एक को स्वर कहा जाता है एक को क्या कहा जाता है व्यंजन कहते हैं चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि स्वर किसे कहा जाता है जब बात आती है स्वर की तो हम स्वर किसे कहते हैं तो कहा जाता है कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने में हमें किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है ऐसे वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं स्वर वर्ण कहते हैं देखिए और भी एक इसकी परिभाषा कही जाती है कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने में ये हवा जो होती है बिना किसी रुकावट के मुख से निकले उसे ही हम क्या कहते हैं स्वर कहते हैं जैसे मान लीजिए मैंने पहली बात क्या कही कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा आ मैंने आपसे क्या कहा आ, अब आ आब हम लोग कह रहे हैं तो आ कहने पर बताइए क्या किसी दूसरे वर्ण का सहायता हम ले रहे हैं क्या इस आ को बोलने में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है या हम आपके सामने कह रहे हैं बच्चे ई क्या ई बोलने में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ रही क्या हमारे मुख में हमारे मुख से क्या कोई दूसरा वर्ण निकल रहा है आप कहेंगे बिल्कुल नहीं तो जब कभी भी बात की जाती है स्वर की तो हम यही बताते हैं कि ऐसे ऐसे वर्ण जिनको बोलने में हम किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं मतलब इनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं देखिएगा अच्छा इसकी तुरंत विपरीत परिभाषा हो जाती है व्यंजन की व्यंजन की परिभाषा में जब हम आते हैं तो तुरंत इसकी विपरीत परिभाषा हो जाती है जैसे ही हम व्यंजन की परिभाषा में आएंगे हम लोग ऐसा कहते हैं कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं व्यंजन देखिए बिना स्वरों की सहायता से हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं जैसे देखिए मैंने कहा आपसे भैया का हम लोग क्या बोल रहे हैं का जब हम बोल रहे हैं क तो क बोलने पर हमारे मुख से अंत में क्या निकल रहा अ उच्चरित तो हो रहा कि नहीं हो रहा तो क को आप देखेंगे तो का बोलने में किसका सहारा आपको लेना पड़ रहा है आ का कोई भी वर्ण हो कोई भी व्यंजन वर्ण हो मान लीजिए हमने कहा बा हमने कहा आपसे बा अब बा वर्ड बोलने पर आप बताइएगा बा वर्ण बोलने पर आप जैसे ही कहेंगे कि सर हां बा बोलने पर तुरंत हमारे मुख से क्या निकल रहा आ अब देखिए ये व्यंजन है लेकिन व्यंजनों को बोलने के लिए किसका सहारा ले रहे हैं स्वर का ही तो आ एक स्वर ही तो है तो जब कभी व्यंजन की बात आती है तो हम लोग कहते हैं कि ये स्वरों के सहारे से बोले जाते हैं आइए हम लोग आगे चलते हैं ये देखते हैं हम लोग आज भैया क्लास में पढ़ना स्टार्ट क्या करेंगे तो जैसे पूछा जाए आपसे स्वरों की संख्या कितनी होती है अभी तक हमने ये देखा स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं ये बात हुई अब आगे हम लोग ये देखते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी होती है जब आपसे पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो हमेशा आप याद रखिएगा कि स्वरों की संख्या जब पूछे तो आपको कितना बताना है ग्यारह बताना है कभी भी आपसे कभी भी आपसे हिंदी में पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आपका जवाब एक ही रहेगा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है ग्यारह होती है अच्छा उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा प्रश्न ऐसा होगा कि उच्चारण के आधार पर किसके आधार पर भैया उच्चारण उच्चारण के आधार पर जब आपसे यह कहे कि उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या तब कितना बताना है उच्चारण के आधार पर जब स्वरों की संख्या पूछता है तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है दस हो जाती है जैसे ही आपसे पूछे कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या दस हो जाती है और जब ऐसे पूछ रहा कि स्वर की संख्या कितनी होती हिंदी में तो हम बताते कितनी होती भैया ग्यारह होती है ठीक अच्छा लेकिन इसी स्वर से एक प्रश्न आपसे और पूछा जाएगा प्रश्न ऐसा होगा कि आपसे यह पूछा जाए कि मूल भाषा के स्वरों को मिलाने पर संख्या कितनी होती है तो मूल भाषा के स्वर मूल भाषा आप लोग जानते होंगे संस्कृत भाषा को कहते हैं मूल भाषा के स्वरों मूल भाषा के स्वरों को जोड़ने पर जोड़ने पर जोड़ने पर स्वर की जो संख्या होती है वो कितनी हो जाती भैया तेरह हो जाती तब स्वर की संख्या कितनी हो जाती है तेरह हो जाती ये याद रखिएगा ठीक ये तीन प्रश्न आपसे यहां से पूछे जाएंगे इसके संख्या से जब आपसे पूछा जाएगा कि स्वरों की संख्या कितनी होती तब कितना बताना है ग्यारह बताना है जैसे आपसे यह पूछा जाए कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या तब आपको भैया दस बताना है यह पूछा जाए कि मूल भाषा के स्वरों को जोड़ने पर स्वरों की संख्या कितनी होती हिंदी में तब आप कितना बताएंगे तेरह बताएंगे अच्छा अब आप देखेंगे कि मूल भाषा के कौन से स्वर जोड़े जाते हैं याद रखिएगा मूल भाषा के दो स्वर एक होता है दीर्घ रि एक क्या होता है दीर्घ री और एक होता है लिरी इन दोनों को इन दोनों को जोड़ने पर स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी बता दी जाती है तेरह बता दी जाती है ना लेकिन सबसे ज्यादा आपकी परीक्षा में यही प्रश्न पूछा जाता कि स्वरों की संख्या क्या होती है तो हम लोग ग्यारह ही बताते हैं ठीक अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे आप ये देखेंगे कि जो ग्यारह स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर किस स्वर को नहीं माना जाता है आइए हम लोग चर्चा करते हैं आगे ध्यान से देखिएगा एक आपको पता होगा सबको पता होगा भाई एक होता है हरस हरस आ एक होता है दीर्घ आ हरस और बच्चे फिर क्या होता है दीर्घ ई फिर हरस्व उ और फिर क्या होता है दीर्घ ऊ और उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं री और उसके बाद क्या होता है ए और फिर ए फिर ओ और क्या होता है औ होता है अगर बात करते हैं स्वरों की संख्या की तो स्वरों की संख्या कितनी बताते हैं ग्यारह बताते हैं अब स्वरों की संख्या जब हम ग्यारह बताते हैं तो ये इतने होते हैं यही ग्यारह स्वर आपके होते हैं देखिए काउंट कर लीजिएगा गिन लेते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह जब हमसे प्रश्न ऐसा होगा कि हिंदी में स्वरों की संख्या बताइए तो हिंदी में स्वरों की संख्या यही ग्यारह स्वर होते हैं ठीक अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मूल भाषा के स्वर को जोड़ने पर अगर मूल भाषा मतलब कौन सी संस्कृत भाषा उसके दो स्वर जोड़ने पर कौन कौन से दो स्वर है एक दीर्घ री है एक क्या है बच्चे लिरी है इनको जोड़ने पर अगर हमसे पूछता है स्वरों की संख्या तो इसी ग्यारह में दो को ऐड कर देंगे तो कितना बता देते हैं तेरह बता देते हैं अब बात यह आती है कि उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर जब हमसे स्वरों की संख्या पूछी जाती है तो इस ग्यारह स्वरों से इन ग्यारह स्वरों से हम किसको हटाते हैं तो ध्यान में रखिएगा कि जब आए उच्चारण के आधार पर तो हम लोग किसको हटाते हैं री को हटा दिया जाता है उच्चारण के आधार पर री को नहीं गिना जाता है अब आप कहेंगे कि सर री को उच्चारण के आधार पर क्यों नहीं गिना जाता भाई कोई रीजन होगा हटा देते हैं क्यों हटा दिए तो याद रखिएगा कहा जाता है कि ये जो री होता है इसका उच्चारण रि व्यंजन की तरीके होता है रि व्यंजन की तरीके इसका उच्चारण होता है इसलिए उच्चारण के आधार पर हम कितने स्वर मानते हैं दस मानते हैं ग्यारह हम नहीं कहते हैं किसको हटा दिया जाता है री को हम लोग बाहर कर देते हैं ठीक और क्यों कर देते हैं ये हमारे ग्यारह स्वर लिखे हैं अब आगे की बात करते हैं इन ग्यारह स्वरों में आपसे यह पूछा जाए कभी इन ग्यारह स्वरों में भैया आपसे अगर ऐसा प्रश्न बन जाए बताइए इन स्वरों में कौन सा स्वर ऐसा होता है जो स्त्रीलिंग होता है या हम कहें स्वर में या पूरी वर्णमाला में अगर जब बात आती है कि स्त्रीलिंग वर्ण या स्त्रीलिंग स्वर कौन से होते हैं तो स्त्रीलिंग स्वरों की संख्या कितनी होती है तीन होती है लिंग के आधार पर देखें तो स्त्रीलिंग स्वरों की संख्या कितनी होती है तीन होती है अब आप कहेंगे कि सर वो कौन से तीन स्वर हैं जिनको हम स्त्रीलिंग स्वर कहते हैं तो ये तीन स्वर होते हैं कौन कौन से भैया स्त्रीलिंग 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 स्वर कौन से माने जाते हैं हमारे तो याद रखिएगा दोनों ई आपकी मानी जाती हैं हरस्व ई और कौन सी दीर्घ ई और क्या री ये क्या मानी जाती ये तीन के तीनों हमारे क्या माने जाते हैं स्त्रीलिंग स्वर माने जाते हैं आपसे मान लीजिए कभी परीक्षा में प्रश्न हो कि स्त्रीलिंग स्वर कौन से होते हैं तो स्त्रीलिंग स्वर बच्चे तीन होते हैं आपने देखा दोनों ई और री जो होता, वो क्या होता है स्त्रीलिंग स्वर होता है चलिए आगे चलते हैं उसके बाद याद रखिएगा इन ग्यारह स्वरों में जो ये हर आ होता है हरस्व आ होता है इसको देखिए किस नाम से जाना जाता है तो याद रखिएगा जो ये हरस्व आ है, इस हरस्व आ को हम लोग उदासीन स्वर के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं उदासीन स्वर के नाम से जानते हैं याद रखिएगा इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं उदासीन स्वर के नाम से जानते हैं और इसको बच्चे हम लोग गुप्त स्वर लो भी कहते हैं कैसा स्वर कहते हैं गुप्त स्वर कहते हैं और इसको हम लोग शहीद स्वर भी कहते हैं कैसा स्वर कहते हैं शहीद स्वर भी कहा जाता है याद रखिएगा तो आपसे जब पूछा जाए अभी मैं आगे बताऊंगा जब जिहवा के क्रियाशीलता के आधार पर पढ़ाऊंगा तो उसको यहाँ इसी आ को आगे केंद्रीय स्वर और मध्य स्वर भी कहा जाता है यहाँ पर इतनी बात जानिएगा कहा जाता है कि जो आपका हर्स्व आ होता है इसको छोटा आ भी कह सकते हैं इसको हम लोग उदासीन स्वर कहते हैं इसको हम लोग गुप्त स्वर कहते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं शहीद स्वर कहते हैं कहा जाता है कि ये व्यंजन जो वर्ण होता है उसी में छिपा होता है इसलिए इसको गुप्त स्वर कहा जाता है उसी में जाके मिल जाता है इसलिए उसको शहीद स्वर कहा जाता है इसका अस्तित्व उसी में जाके जब मिल जाता तो खत्म दिखाई पड़ता इसलिए क्या कहा जाता उदासीन कहा जाता है. याद रखिएगा इतनी बात आपको याद रखनी है ठीक देखिए फिर से अगर आपसे पूछा जाए वर्णमाला में वर्णों की संख्या तो बावन मैंने बता दी मूल वर्णों की मैंने बताई ठीक अगर हमने कहा कि वर्ण को कितने पार्ट में बांटे तो एक स्वर में एक किस में बांट दिए व्यंजन में बांट दिए अगर स्वरों की संख्या कभी आपसे पूछी जाए कि स्वरों की संख्या कितनी तो आपका आंसर क्या होगा होगा अगर आपसे यह पूछा जाए मूल स्वरों तो मूल स्वर, मूल भाषा के स्वरों को जोड़ने पर स्वरों की संख्या तब तेरा बताइएगा क्योंकि हमने दो को जोड़ा है दीर्घ री और ली रि को ठीक और उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं दस हटाया जाता किसको री को आइए हम लोग आगे चलते हैं देखते हैं कि ये जो ग्यारह स्वर हैं, भाई जो ये आपके ग्यारह स्वर हैं, इन ग्यारह स्वरों को इन ग्यारह स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है किस किस आधार पे इनको गया है, ध्यान से देखिएगा इन ग्यारह स्वरों को हम किस किस आधार पे इनका विभाजन करते हैं देखिए ये आपके स्वर कितने हैं टोटल ग्यारह स्वर हैं ठीक ये जो ग्यारह स्वर है इनको हम लोग कैसे बांटते हैं ये याद रखिएगा ठीक देखिएगा हाँ इसको देखिए सबसे पहले तो आप लोग कहते हैं जब इसकी बांटने की बात आती है तो सबसे पहले आप लोग कहते हैं कि एक तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पे किसके आधार पे भैया एक उत्पत्ति के आधार पर इन स्वरों को किसके आधार पर बांटा गया पहले उत्पत्त के आधार पर दूसरा याद रखिएगा दूसरा जो बांटा गया किसके आधार पर बांटा गया है मात्रा काल के आधार पर एक पहला तो उत्पत्ति के आधार पर दूसरा बच्चे मात्रा काल के आधार पर मात्रा काल mm. के आधार पर मात्रा काल के आधार पर उसके बाद जो तीसरा है वो उच्चारण के आधार पर तीसरा जो है किसके आधार पर उच्चारण के आधार पर उसके बाद याद रखिएगा उच्चारण के आधार पर और उसके बाद अगर हम बात करते हैं उसके बाद आगे की बात करते हैं तो इनको हम लोग बांटते हैं चौथा किस पे जिहवा की क्रियाशीलता के आधार पर जीवा के प्रयोग के आधार पर भी कह सकते हैं जिहवा के प्रयोग के आधार पर के आधार पर और उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो और भी इनको बांटा गया है देखिए पांचवा नंबर क्या हो सकता है इनका याद रखिएगा ओष्ठाकृत के आधार पर किसके आधार पर ओष्ठा कृत के आधार पर कृत के आधार पर और बच्चा जो छठा होता है ये याद रखिएगा इसको फिर बांटते हैं हम लोग किसके आधार पर एक होता है आपका मुखाकृत के आधार पर मुखाकृत मुखाकृत के आधार पर मुखाकृत के, मुखा के आधार पर याद रखिएगा ये आपको इतनी बातें स्वर में पढ़नी है देख लीजिएगा क्या क्या पहला इन ग्यारह स्वरों को सबसे पहले हम किसके आधार पर बांट रहे हैं उत्पत्ति के फिर हम लोग इनको किस में बांट के पढ़ेंगे मात्रा काल के आधार पर ठीक फिर हम देखेंगे कि जो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है एक क्या होता है उच्चारण स्थान के आधार पर फिर भैया हम हाँ लोग इसको किस में बांट के पढ़ेंगे जिहवा के क्रियाशीलता या जीववा के प्रयोग के आधार पर फिर उसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे औष्ठाकृत के आधार पर फिर इन स्वरों को हम लोग पढ़ेंगे किसके आधार पर मुखा कृत के आधार पर ठीक तो आज हम लोग सबसे पहला पढ़ना स्टार्ट करते हैं उत्पत्ति के आधार पर आइए हम लोग देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को कितने पार्ट में बांटा गया आप स्क्रीन शॉट इसका लेना चाहें तो ले सकते हैं चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं अब हम लोग देखते हैं किसके आधार पर भाई उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहला आज हम लोग देखते हैं उत्पत्य के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर देखिए सबसे पहली बात उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को कितने पार्ट में बांटा गया तो आप कहेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया अब इसके जो दो भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं ध्यान से देखिएगा उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को भैया दो भाग में बांटे हम लोग एक पहले को हम लोग क्या कहते हैं एक पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं मूल स्वर पहले को हम लोग क्या कहते हैं एक को हम लोग कहते हैं मूल स्वर और जो दूसरा होता है मित्र उसको हम लोग क्या कहते हैं दूसरे को मित्र हम लोग कहते हैं संधि स्वर दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं संधि स्वर याद रखिएगा हमने आपको क्या बताया कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को कितने पार्ट में बांटा गया तो दो पार्ट में दो भाग में बांटा गया एक बच्चा पहला क्या कहलाया मूल स्वर और दूसरा मेरे भैया क्या कहलाया संधि स्वर कहलाया आइए हम और आप ये जानते हैं कि मूल स्वर किसे कहते हैं और संधि स्वर किसे कहते हैं जब बच्चे मूल स्वर की बात आती है मूल स्वर कहा जाता है कि ये ऐसे स्वर होते हैं जो किसी दूसरे स्वर की मेल से ना बने ऐसा स्वर जो किसी दूसरे स्वर के मेल से ना बना हो ऐसे स्वर को हम लोग क्या कहते हैं मूल स्वर कहते हैं अब देखिए मूल स्वर कितने होते हैं तो मूल स्वरों की संख्या होती है चार अब देखिए कौन कौन से होते हैं तो मूल स्वर होता है बच्चा हरस आ जिसको छोटा आ भी कहते हैं हरस ई मतलब छोटी ई हरस उ मतलब बच्चे छोटा उ और बच्चा क्या होता है री ये आपके जो चार होते हैं ये चार आपके क्या कहलाते हैं मूल स्वर कहलाते हैं ये चार आपके क्या कहलाते हैं मूल स्वर कहलाते हैं अच्छा एक बात बताना मित्र ये बताओ क्या ये जो आ है क्या किसी दूसरे के मेल से बना या इ कहे ऊ कहे री कहें क्या किसी दूसरे स्वर के मेल से बना है तो आप कहेंगे नहीं सर ये दूसरे स्वर के मेल से नहीं बना है तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है मूल स्वर कहा जाता है ऐसे स्वर बच्चा जो किसी दूसरे स्वर के मेल से ना बने हो ऐसे स्वरों को ही तो क्या कहते हैं मूल स्वर कहते हैं ना उसके बाद बात जब हम करते हैं मित्र संधि स्वर की अब आप लोग बताइए सब लोग संधि का मतलब ही क्या होता है संधि का मतलब होता है मेल या जोड़ संध का मतलब क्या होता है मेल या जोड़ होता है अच्छा एक बात और बताइए संध के आगे लगा क्या है संध के आगे क्या लगा है स्वर लगा है तो मेल या जोड़ होगा लेकिन किसका होगा स्वर का होगा ना तो आप कहेंगे सद्... इसका मतलब संध स्वर का मतलब है कि दो स्वरों के दो स्वरों के मेल से बना स्वर क्या कहलाता है संध स्वर कहलाता है आइए स्वरों की संख्या आपसे पूछी जाए तो संधि स्वरों की संख्या मेरे बच्चे कितनी है सात होती है संधिस्वरों की संख्या कितनी होती है? होती है है सात आइए हम आपको बताते हैं पहले कि कौन कौन से संधि स्वर होते हैं ध्यान से सुनिएगा तो एक आपका होता है बच्चे कौन सा आ तो आप कहेंगे दीर्घ आ दीर्घ आ फिर दीर्घ ई और फिर बच्चा होता है दीर्घ उ होता है ठीक फिर होता है ए फिर ए फिर ओ फिर क्या होता है आओ होता है फिर क्या होता है बच्चा आओ होता है ठीक अब देखिए ये इतने स्वर हैं ये सात के सात स्वर आपके सामने लिखे हैं लेकिन मित्र सात के सातों स्वर किसी ना किसी स्वर के मेल से ही बने हैं ध्यान से सुनिए अगर हम बच्चे आ की बात कर लेते हैं अगर हम इस आ की बात कर लेते हैं तो आप ये बताइए जो ये दीर्घ आ है दीर्घ आ, आ कैसे बनता तो आप कहेंगे सर हरस आरस आ जब मिलता है तो क्या बन जाता है दीर्घ आ बनता है अगर हम दीर्घ ई की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे तो आप कहेंगे ेंगे सर हर्सू ई हर्सू ई जब मिलती है तो क्या हो जाती है दीर्घी हो जाती है जब हम हरस बड़े भाई हम दीर्घ ऊ की बात करेंगे तो आप यही कहेंगे कि छोटा ऊ छोटा ऊ मिलके या हरस ऊ हरस ऊ मिलके क्या बनाता है दीर्घ ऊ बनाता है हाँ जब हम ए की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि ये सर बनता है आ और ई से आई की बात करते हैं तो आप कहते हैं ये बनता है सर आ और ए से जब हम ओ की बात करते हैं तो ये बनता है आ और से और जब हम आओ की बात करते हैं तो यह बनता है आ और ओ से बनता है याद रखिएगा अब ध्यान से सुनिए इसका उच्चारण देखिए यह बोलने पे निकलता भी है देखिए आए, आए बोलने पे ए निकल भी रहा ना उसके बाद इसको जब बोलते हैं आओ आओ इसका उच्चारण करने पर उच्चारण भी होता है ठीक अब आप बताइए कि सात के सातों स्वर मैंने आपके सामने लिखे लेकिन बच्चे सात के सातो स्वर बताइए एक दूसरे स्वर के मेल से बने हैं कि नहीं बने लेकिन हाँ बताइए कि कोई ऐसा स्वर दिख रहा हो कोई ऐसा स्वर दिख रहा हो जो किसी दूसरे स्वर के मेल से बना हो तो आप कहेंगे नहीं सर यह ऐसा स्वर था कि इसमें किसी दूसरे स्वर का मेल नहीं हुआ इसीलिए तो इसको कहा गया मूल स्वर कहा गया इसको बच्चे क्या कहा गया मूल स्वर मूल स्वर ऐसे स्वर होते हैं जो किसी दूसरे स्वर के मेल से नहीं बनते लेकिन संधि स्वर ये ऐसे स्वर होते हैं जो दो स्वरों के मेल से बने होते हैं अच्छा अब आगे की हम बात करते हैं इन्हीं भैया संधि स्वर को संधि स्वर को मेरे बच्चे दो पार्ट में बांट दिया गया इसको दो भागों में बांटा गया आइए हम आपको बताते हैं कि इसके दो भाग वो कौन से हैं संधि स्वर को जो ये आपके सात स्वर हैं इन सात स्वरों को इन सात स्वरों को मेरे भैया इनको दो पार्ट में बांटा गया एक को कहा गया एक को कहा गया मूल दीर्घ स्वर ध्यान से देखते रहिए एक को पहले को क्या कहा गया इसी संध स्वर को जब बांटने लगे तो पहले को हमने क्या कहा मूल दीर्घ स्वर क्या भैया मूल मूल दीर्घ स्वर और दूसरे को जब हम बात करते हैं तो दूसरे को हमने क्या कहा संयुक्त स्वर कहा दूसरे को मेरे बच्चे क्या कहा हमने संयुक्त स्वर कहा पहले को मैंने क्या कहा मूल दीर्घ स्वर और दूसरे को हमने क्या कहा संयुक्त स्वर कहा इन्हीं सात को हम बांटते हैं मूल दीर्घ स्वर में और संयुक्त स्वर में आइए हम और आप देखते हैं कि मूल दीर्घ स्वर मेरे बच्चे क्या होता है तो मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर क्या होते हैं देखिए, जब मूल दीर्घ स्वर की बात आएगी तो बच्चे कहा जाता है कि समान मूल स्वरों के समान मूल स्वरों के मेल से बना स्वर ही कहलाता है मूल दीर्घ स्वर समान मेल भाई क्या हमने बताया? समान मूल। अब समान मूल स्वरों के मेल से ये देखिए दोनों समान मूल स्वरों से क्या बना है आप कहेंगे सर बड़ा आ बना है ये दोनों समान स्वरों के मेल से क्या बना है बच्चे बड़ी ई बनी है ये दोनों समान स्वरों के मेल से क्या बना है बड़ा ऊ बना है लेकिन और बताइए क्या दो और कोई आसमान के मेल से बना है आप कहेंगे बिल्कुल नहीं बना है इसलिए जब मूल दीर्घ स्वर की बात आती है तो मेरे बच्चे वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं बड़ा आ बड़ी ई और बड़ा ऊ जिसको हम लोग कहते हैं हरस आ और हरस ई ओ सॉरी दीर्घ आ दीर्घ ई और दीर्घ ऊ कहते हैं बोलो कंफर्म ये इतनी बात हो गई अब आगे की बात संयुक्त स्वर की बात आए तो जब कभी भी संयुक्त स्वर की बात आती है तो आप वहां पर जब संयुक्त की बात आती है तो आप क्या कहते हैं दो आसमान स्वरों के दो आसमान स्वरों के मेल से बना स्वर बच्चे क्या कहलाता है संयुक्त स्वर अब आप बताइए ये जो ए है क्या समान के मेल से बन रहा है क्या आ के बाद आ है कि ई के पहले ई है अगर होता तो हम बताते ना कि ये बच्चे की समान से मिल रहा है लेकिन आप देख रहे हैं कि आ के बाद क्या है ई है ये भी आसमान के मेल से बना है आ के बाद ए है ये भी आसमान के मेल से आ के बाद ऊ है ये भी आसमान और आ के बाद ओ है ये भी क्या है आसमान तो संयुक्त स्वर आसमान स्वरों के मेल से बने बने होते हैं इनकी संख्या कितनी होती बच्चे चार होती है कौन कौन से होते हैं ए और क्या होता है ए और फिर क्या होता है ओ और बच्चा क्या होता है आओ याद रखिएगा ये चार हमारे ये जो चार है हमारे ये चार के चारों हमारे क्या कहलाते हैं संयुक्त स्वर कहलाते हैं क्या कहलाते हैं भैया संयुक्त स्वर कहलाते हैं अब आगे की बात देखिएगा आपको पता है ये सब समान स्वरों के मेल से बने ये सब क्या है असमान स्वरों के मेल से बने अच्छा अभी मैं आपको आगे ले चलकर एक बात बताता कि जाति के आधार पर भी स्वरों को दो पार्ट में बांटा गया एक सजाति और एक बिजाति आप लोगों ने सुना भी होगा लेकिन वह बात मैं आपको यहीं पर स्पष्ट कर दे रहा हूं आगे चलने की कोई जरूरत नहीं है यहीं पर मैं आपको बता दे रहा हूं कि जाता कहलाता है जाति के आधार पर होता है बच्चे दो पार्ट में स्वरों को बांटा जाता है एक सजातीय स्वर और एक मेरे बच्चे विजातीय स्वर तो भैया सजातीय और विजातीय का मित्र क्या मतलब होता है सजातीय का मतलब होता है समान जात से समान जात के योग से बना स्वर सजातीय और असमान जात के योग से बना स्वर क्या कहलाता है विजातीय अब आप हमको बताएंगे कि यहां पर जो ये आ है ये बच्चे जो बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ है ये बताइए समान जात के ही स्वरों के मेल से बना है कि नहीं बना है भाई आ आ, आ मिला तभी तो बड़ा आ बना है भाई ई ई मिली है तभी तो बड़ी ई बनी है भाई ऊ जब मिलता है तो क्या बना है बड़ा है इसलिए ये सारे समान जाति के स्वरों के योग से बने होते हैं इसलिए इनको मूल दीर्घ स्वरों को ही हम सजातिये, हम सजातीय सजातीय स्वर कह सकते हैं याद रखिएगा मूल दीर्घ स्वर ही क्या कहलाते हैं सजातीय स्वर और मेरे बच्चे ये बताइए ये जितने भी स्वर लिखे हैं ये सब आसमान स्वरों के मेल से बने हैं ना इसलिए इनको इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं बिजातीय स्वर कहते हैं इनको बच्चे हम लोग क्या कहते हैं बिजातीय स्वर कहते हैं देख लीजिएगा चाहे ए की बात हो तो ये बना होता है आ और ई से आए की बात हो तो बना होता है आ और ए से अगर ओ की बात हो तो बना होता है आ और किससे ऊ से अगर आओ की बात हो तो बना होता है आ और ओ से ये सारे के सारे आसमान स्वरों के मेल से बने होते हैं इसलिए इनको क्या कहा जाता है विजातीय कहा जाता है तो आपसे कभी भी आपसे मेरे बच्चा कभी भी भैया मित्र याद रखिएगा कभी भी आपसे प्रश्न पूछे कि उत्पत्ति के आधार पर तो कितना आंसर लगा के आना है दो अच्छा कौन कौन से एक को हमने क्या कहा मूल दीर्घ मूल स्वर और दूसरे को हमने भैया क्या कहा संधेश्वर कहा तो ऐसे स्वर जो दो आसमान स्वरों के मेल से बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं आसमान के अच्छा आसमान की बात आएगी तो संयुक्त पे चलेंगे अभी देखिए ऐसे स्वर जो किसी दूसरे स्वर के मेल से नहीं बने होते उनको हम मूल स्वर कहते हैं और दो स्वरों के मेल से बना स्वर क्या कहलाता है संधि स्वर कहलाता है और संधि स्वरों की संख्या होती है सात और बच्चे मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है चार होती है और याद रखिएगा संधि स्वरों को दो पार्ट में बांटा जाता है एक मूल दीर्घ स्वर और दूसरा किसमें संयुक्त स्वर तो मूल दीर्घ स्वर मैंने आपको बताया कि समान स्वरों के समान मूल स्वरों के मेल से बना स्वर मूल दीर्घ स्वर कहलाएगा और संयुक्त स्वर जो होता है वो असमान स्वरों के मेल से बना होता है और मूल दीर्घ को ही हम सजातीय कह सकते हैं और जो संयुक्त स्वर होता है उसी को हम बच्चे क्या कह सकते हैं विजातीय कह सकते हैं इसके आगे हम लोग अब पढ़ेंगे आगे मात्रा काल मात्रा काल के आधार पर स्वरों को कितने पार्ट में बांटा गया है आइए हम लोग आगे चलते हैं मात्रा काल के आधार पर ते हैं मात्रा काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं आइए बच्चा देखा जाए तो मात्रा काल के आधार पर देखिए मात्रा काल के आधार पर के आधार पर मात्रा काल के आधार पर स्वरों को तीन पार्ट में बांटा गया मतलब तीन भाग में ठीक मात्रा काल के आधार पर स्वरों को तीन भागों में बांटा गया मात्रा काल का कहने का मतलब है मात्रा में लगने वाले समय के आधार पर तीन भाग वो कौन कौन से हैं आइए हम लोग देखते हैं तो एक पहला जो है उसको क्या कहते हैं और दूसरे वाले को और तीसरे वाले को आइए पहले वाले को हम लोग भैया क्या कहते हैं पहले वाले को हम लोग कहते हैं हरस स्वर कहते हैं क्या कहते हैं हरस स्वर कहते हैं पहले वाले को हम लोग भैया क्या कहते हैं हरस स्वर कहते हैं और जब बात आती है दूसरे की तो दूसरे को हम लोग क्या, क्या कहते हैं दीर्घ स्वर कहते हैं दूसरे वाले को हम लोग क्या कहते हैं दीर्घ स्वर कहते हैं और तीसरे वाले को हम लोग क्या कहते हैं स्वर कहते हैं क्या कहते हैं स्वर कहा जाता है याद रखिएगा एक को हम लोग क्या कहते हैं हरस स्वर दूसरे को दीर्घ और तीसरे को क्या कहते हैं स्वर कहते हैं कहा जाता है कि जिन स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है उन्हें हरस और हर्ष से दो गुना ज्यादा समय लगा तो दीर्घ और जिसके उच्चारण में हर्स से तीन गुना ज्यादा समय लगता है वो क्या होते हैं प्लुत कहलाते हैं आइए पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि हर्स को और भी किस नाम से जाना जाता है देखिए हर्स स्वर को ही मात्रिक स्वर कहा जाता है क्या कहा जाता है एक मात्रिक स्वर कहा जाता है एक मात्रिक स्वर कहा जाता है और इसी हरस स्वर को इसी हरस स्वर को लघु स्वर भी कहा जाता है क्या कहा जाता है लघु स्वर कहा जाता है और इसी हरस स्वर को मूल स्वर कहा जाता है याद रखिएगा इसी हरस स्वर को क्या कहा जाता है मूल स्वर मैंने क्या बताया कि जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगे हरस का मतलब क्या होता है कम ना तो जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगे या एकमात्रा का समय लगता है उन्हें भैया क्या कहा जाता है हरस स्वर कहा जाता है एकमात्रा का समय लगता है इसलिए इनको क्या कहते हैं मात्रिक स्वर कहते हैं अब बात करें कि हरस स्वर की संख्या कितनी होती है तो चार बता दीजिएगा कौन कौन से होते हैं तो हरस आ हरस ई हरस उ और बच्चे क्या होता है री ये चार हमारे क्या कहलाते हैं हरस्व स्वर कहलाते हैं याद रखिएगा इन चार को हम क्या कहते हैं हरस्व स्वर कहते हैं ठीक और एक बात याद रखिए इनको लघु स्वर क्यों कहा जाता है क्योंकि ये सबसे छोटे होते हैं देखिए ये सब छोटे छोटा मूल स्वर भी कह सकते हैं क्योंकि ये किसी दूसरे स्वर के मेल से नहीं बने होते हैं इसलिए भैया इनको क्या कह सकते हैं मूल स्वर भी कह सकते हैं और इनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है इसलिए मित्र इनको हम एक मात्रिक स्वर कहते हैं और याद रखिएगा ये सब क्या होते हैं इनको बोलने में सबसे कम समय लगता है इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं ह्रस्व स्वर कहते हैं अब ध्यान से सुनिएगा जब दीर्घ स्वर की बात आएगी तो आप यही कहते हैं कि ह्रस्व स्वर से दो गुना ज्यादा जब ह्रस्व स्वर से कितने गुना दो गुना ज्यादा समय लगता है जिसके उच्चारण में वो क्या कहलाता है दीर्घ स्वर अब हमारी बात को सुनिए हम कहते हैं जब अ तो कम समय लगता है लेकिन जब हम कहते हैं आ तो ज्यादा समय लगता है तो कम लेकिन जब ई कहते हैं तो ज्यादा उ कहते हैं तो कम लेकिन जब उ कहते हैं तो ज्यादा मतलब कि आप कहोगे कि सर छोटे वाले पढ़ने में सब में समय कम लगता है कौन कौन से छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ और री इनको पढ़ने में इनको बोलने में समय कम लेकिन जब बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ इन सबको बोलते हैं तो समय ज़्यादा लगता है याद रखिएगा लेकिन ये भी जान लीजिएगा इनको बोलने में दो मात्रा का भी समय लगता है इसलिए याद रखिएगा पहले दीर्घ स्वर को मैं बता देता हूं कि किस किस नाम से जानते हैं तो दीर्घ स्वर को बच्चे दो मात्रा का समय लगता है इसलिए इसको दो मात्रिक स्वर भी कहते हैं कैसा स्वर कहते हैं द्विमात्रिक स्वर कहते हैं और याद रखिएगा इसको लघु कहते हैं क्योंकि सब छोटे होते हैं और लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं गुरु स्वर कहते हैं इसको भैया कैसा स्वर कहा जाता है दीर्घ स्वर को गुरु स्वर कहा जाता है और इसी दीर्घ स्वर को मेरे बच्चे सब लोग याद रखिएगा संधि स्वर भी कहा जाता है मित्र क्या कहा जाता है मेरे दोस्त संधि स्वर कहा जाता है और इनकी संख्या जब कभी पूछी जाए तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है सात होती है कौन कौन से होते हैं तो दीर्घ आ दीर्घ ई और बच्चा दीर्घ ऊ होता है और ए और ए और बच्चा ओ और क्या औ ये सातों हमारे क्या कहलाते हैं तो ये सात के सातों जो होते हैं हमारे क्या कहलाते हैं दीर्घ स्वर कहलाते हैं मैंने क्या बताया इनको बोलने में सबसे ज्यादा समय मतलब हर्ष से दो गुना समय ज्यादा लगता है इसलिए दीर्घ स्वर इनको बोलने में दो मात्रा का समय लगता है इसलिए दो मात्रिक स्वर और ये क्या होते हैं बच्चे सब बड़े बड़े बड़ा बड़ी बड़ा सब बड़े बड़े हैं इसलिए मेरे बच्चे इनको गुरु स्वर और ये देखिए मैंने आपको पहले भी पढ़ाया कि ये जितने भी स्वर हैं एक दूसरे स्वर के मेल से बने होते हैं इसलिए मेरे बच्चे इनको क्या कहा जाता है संध स्वर कहा जाता है याद रखिएगा अब आगे की बात अंतिम बात आती है पुलुत स्वर की जब हम पुलुत स्वर की बात करने चलते हैं तो आप कहते हैं कि सर हरस स्वर को बोलने में सबसे कम समय है उसके बाद जो स्वर से दुगना समय तो दीर्घ अब हरस स्वर से तीन गुना ज्यादा समय जिन स्वरों के उच्चारण में हरस स्वर से तीन गुना ज्यादा समय है। लगता है उनको क्या कहा जाता है पुलुत स्वर और कहा जाता है जिनको बोलने में हरस स्वर से तीन मात्रा का समय तीन मात्रा पुलुत को बोलने में तीन मात्रा का समय लगता तो इसे हम लोग इसीलिए याद रखिएगा कि हम लोग इसको त्रे भी कहते हैं त्रे का मतलब है तीन मात्रा का समय लगता है और देखिए कभी ऐसा प्रश्न बने कि पुलुत स्वर को बच्चे बोलने में दीर्घ स्वर से कितना समय लगता है तो हरस स्वर से तीन गुना ज्यादा समय लगता है पुलुत स्वर को बोलने में लेकिन दीर्घ स्वर से बोलने में कितना दो गुना ज्यादा समय लगता है याद रखिएगा हमने कहा अ तो क्या हुआ हरस हमने कहा आ तो क्या हुआ दीर्घ तो आप कहेंगे गुरु जी और चिल्लाए के जब हम कहे आ तो क्या होगा स्वर होगा कहने का मतलब है कि जब किसी को पुकारना हो बुलाना हो जब खींच के बोलना हो तो कैसा स्वर होता है वो पुलुत स्वर होता है मेरे मित्र याद रखिएगा मेरे दोस्त कि जब पुलुत स्वर जो होता है इसकी एक इसकी एक डिजाइन दी जाती है या हम कहते हैं इसका एक प्रतीक होता है ये तीन की तरीके होता है और याद रखिएगा ये तीन की तरीके होता है जब किसी को किसी चीज़ को थोड़ा खींच के बोलना हो तब इस स्वर का प्रयोग इसका प्रयोग पहले वेदों में होता था जब इस किसी चीज़ को उच्चरित करने में थोड़ा खींच के हमें बोलना पड़ता था जैसे बच्चे हम लोग कहते हैं यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है जब हम लोग कहते हैं ओम देखिए ओम कहने पर हमें देखिए थोड़ा खींच के बोलना पड़ रहा कि नहीं बोलना पड़ रहा तो देखिए यहां पर याद रखिएगा कभी भी फुल स्वर आएगा तो उसका यह प्रतीक आपको याद रखना है ये याद रखिएगा पुलुत स्वर के विषय में पुलुत स्वर की संख्या वैसे जल्दी आपसे पूछा नहीं जाता है लेकिन याद रखिएगा पुलुत स्वरों की संख्या अगर आपसे पूछ रहा है तो पुलुत स्वरों की संख्या आठ बता दीजिएगा और क्यों बच्चे सात आपके सात आपके संध स्वर होते हैं और एक आपके हरस स्वर का एक आपके हर स्वर का छोटा आ होता है और उसी को मिलाने पर संख्या कितनी हो जाती है आठ पुलुत स्वरों की संख्या की बात कर

स्वर कहलाता है याद रखिएगा इसी को हमने बताया कि इसको हर्स को एक मात्रिक स्वर कहा जाता है हर्स को लघु स्वर भी कहा जाता है हर्स को मूल स्वर भी कहा जाता है और बच्चे दीर्घ को द्विमात्रिक स्वर गुरु स्वर और संध स्वर कहा जाता है और पुलित स्वर को त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है और बच्चा याद रखिएगा इसके आगे की क्लास इसके आगे की जो हमारी क्लास होगी वो उच्चारण के आधार पर स्वर की क्लास होगी ठीक आज हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं और हाँ आगे जैसे ही ये टॉपिक जैसे ही हमारा वर्णमाला का टॉपिक कंप्लीट होता है तुरंत ही हम वर्णमाला के सौ क्वेश्चन के साथ टेस्ट सीरीज के साथ हमारा आपका आमना सामना होगा ठीक तब तक के लिए धन्यवाद